कोलकाता, साल 2049, बंगाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। अरे ये गुर्दा है या कलेजा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, what the? इस चंपू डॉक्टर ने आखिर मेडिकल एग्जाम कैसे पास किया होगा? वही तो, नहीं किया था, और ऐसा भविष्य में हो सकता है अगर सुदीप्तो रॉय, संदीप घोष और विरूपाश बिश्वास जैसे भ्रष्ट और ताकतवर डॉक्टर बंगाल की चिकित्सा व्यवस्था को अपनी जागीर की तरह चलाते रहे तो। दोस्तों, ये है बदनाम उत्तर बंगाल डॉक्टर की लॉबी, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था को घोटाले का अड्डा बना के रख रखा है। हर सरकारी कॉलेज में चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक को अपने वश में करके, और ये डॉक्टरों का गैंग कोई ऐरा गरा नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक दीदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छत्र छाया में पनप रहा है। उनके दुष्ट कारनामों की शुरुआत होती है अमीर छात्रों को मेडिकल कॉलेज की सीटें बेचने से, वो भी 5 से 8 लाख की भारी रिश्वत लेकर, जिन्हें फिर बेशक एक भारी रकम पर मेडिकल कॉलेजों में परीक्षा के दौरान खुले आम आंसर स्क्रिप्ट भी बेची जाती है। और वो छात्र जो रिश्वत देने की औकात नहीं रखते, वो इन घूसखोरों की चप्पलें चाट कर अपना जुगाड़ बिठाते हैं, ताकि परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन और लैपटॉप के जरिए नकल करने को मिल जाए। और वहीं टीचर अपनी मुंडी दूसरी ओर करके समोसा चाट रहे होते हैं। और कोर्स पूरा होने के बाद गिरोह के इन टट्टुओं में से कई सारों को सबसे शानदार अस्पतालों में बड़े पदों पर बिठा दिया जाता है, या फिर ये डॉक्टरी माफिया अपने गुंडों को डॉक्टर के रूप में भर्ती कर लेते हैं, ताकि इनका बेईमानी का खेल आसानी से चलता रहे। जिसे जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, बिना काबिलियत वाले अनाड़ी डॉक्टर बन जाते हैं, जो बाद में लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इन लोगों ने दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों को भी काबू में रखने के लिए डर का माहौल बना के रख रखा है। आज से हमारा हुक्म चलेगा क्या? नहीं तो तेरे बच्चों और परिवार को घर से बाहर निकाल देंगे, समझा? वही ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती छात्र तो अक्सर बीच में ही लटक कर रह जाते हैं। महिला छात्र डॉक्टरों की जिंदगी तो और भी बदतर है, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को खुश करने के लिए जबरदस्ती आइटम डांस तक करना पड़ता है। और इससे भी बुरी बात यह कि उन्हें अच्छे ग्रेड पाने के लिए यौन उत्पीड़न जैसे वहशी हरकतों को सहन करना पड़ता है। इस भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने के बारे में तो आप पूछे ही मत। जैसे अस्पताल परिसर में दोस्तों को खाने पीने की दुकान लगाने के लिए गैर कानूनी इजाजत देना, बेड और चिकित्सा सुविधाओं को अपने अमीर दोस्तों और वफादारों के लिए रिजर्व रखना, जो कि असल में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए बने हैं। इस डॉक्टरी गैंग ने तो तब सारी हदें पार कर दी जब इन्होंने अस्पताल में आए लावारिस लाशों की तस्करी करना शुरू कर दिया। एक ऐसे माफिया को जो उन शवों से निकाले गए अंगों को काले बाजार में बेचता है, जिससे वो 200 से 300 करोड़ तो बस यूं चुटकी बजाकर बना लेता है। इस आदमी ने आरजी कर में पकड़े न जाने का भी अपना पूरा बंदोबस्त करके रखा था। अस्पताल में कानूनन 415 सीसीटीवी कैमरों की संख्या घटाकर सिर्फ 37 करके, और अगर एमबीबीएस छात्र कभी इसका विरोध करने की हिम्मत करते तो उन्हें गाँव के अस्पतालों में ट्रांसफर कर दिया जाता या फिर परीक्षा में फेल कर दिया जाता। लेकिन इतने खराब हालात होने के बावजूद आरजी करके छात्रों कई बार इस लॉबी के खिलाफ शिकायत की, जिस पर अमल किया पिछले साल ही, जब कॉलेज अनुशासन समिति ने घोष का आरजी करके बाहर ट्रांसफर किया, जो कि प्रिंसिपल और लॉबी के एक बड़े सरगना थे। लेकिन ये घोष बाबू तो ममता की आंखों के तारे थे, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और उन्हें सिर्फ 48 घंटों के अंदर फिर से प्रिंसिपल बना दिया। 2 महीने बाद सितंबर 2023 में, जब ममता एक आधिकारिक दौर पर स्पेन गई हुई थी और रास्ता खुला था, तो न्याय का एक सिपाही अख्तर अली, आरजी करके सुपरिटेंडेंट, जिन्होंने ये सोचा कि यही शिकायत करने का सही मौका है, और उन्होंने घोष के खिलाफ तीर दाग दिए। फिर से घोष का तबादला कर दिया गया, लेकिन जिद्दी डॉक्टर घोष वहीं पर गड़े रहे और उन्होंने पूरे दुस्साहस के साथ एक हफ्ते तक प्रिंसिपल ऑफिस पर ताला लगवा दिया, ताकि कोई और उन्हें कब्जे में न ले सके। तब तक उनकी रक्षक ममता दीदी स्पेन से वापस लौट आई और बिना किसी के सुने घोष को दोबारा आरजी कर में टॉप पर बिठा दिया और हमारे हीरो अख्तर को शिकायत करने की जरूरत पर सजा देते हुए बर्खास्त कर दिया। दुर्भाग्य से आरजी कर में एक मेहनती महिला डॉक्टर के लिए हालात और भी बदतर निकले, जिसे कथित तौर पर कुछ ज्यादा ही पता चल चुका था इस गैंग द्वारा चलाए जा रहे घटिया दवाओं के स्कैम के बारे में। 9 अगस्त सुबह 10:53 बजे जब उस बच्चे के पिता के घर का फोन बजा, तो दूसरी ओर से गंभीर आवाज आई। सर, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत अस्पताल पहुँचिए। क्या, मेरी बेटी को क्या हुआ? आप कौन है? आरजी कर अस्पताल में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपाना चाहती है। अब सर, हम उसे अब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर रहे हैं, जल्दी आइए, उसकी हालत गंभीर है। माता पिता, जो ये सब पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तुरंत अस्पताल के लिए निकले। अस्पताल से कई कॉल आते रहे जो उन्हें जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए कह रहे थे। 30 मिनट बाद जब वे रास्ते में थे, उन्हें सदमा पहुंचाने वाला एक आखिरी कॉल आया। कहां था कि देर मत करना, आपकी बेटी आत्महत्या से मर चुकी है।
इस कांड को दबाने की कोशिश जो हम आपको आगे बताएंगे दिमाग चकरा देने वाली थी। लेकिन दोस्तों ये सब जानने से पहले बिज़बो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को टन तो जरूर दबाई दीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं। तो जब वे अस्पताल पहुंचे तो पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें उनकी बेटे की बॉडी देखने से उन्हें रोक रखा था। हैरत की बात है 3.5 घंटे तक। और जब वो डॉक्टर द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट आखिरकार देख पाए तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटे की मौत असल में सुबह 3 से 5 बजे के बीच हो चुकी थी, जिससे पिता को शक हुआ कि उनके साथ जरूर कुछ धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि उन्हें घटना के बारे में 11 बजे बताया गया था, लगभग 6 से 8 घंटे के बाद। इसलिए शोक में डूबे माता पिता तुरंत पुलिस के पास गए। सर, हमें लगता है हमारी बेटी की किसी ने हत्या की है, आरजी कर अस्पताल में कुछ तो छुपाया जा रहा है। फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने टालम टोल करके FIR को दर्ज नहीं किया, बल्कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनको कथित तौर पर धमकाया भी। अरे अब रोने धोने से क्या होगा, देखिए मैं आपको एक सेटलमेंट दिला सकता हूँ अगर आप क्रियाक्रम फटाफट करा दे तो। लेकिन शाम तक जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 भारी और 9 अंदरूनी चोटों का खुलासा हुआ, वो भी सिर्फ आगे वाले हिस्से पर जो यौन हिंसा की ओर इशारा कर रही थी, तो माता पिता दंग रह गए और उन्होंने मांग की शरीर के पिछले भाग का पोस्टमार्टम होना चाहिए, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है। लेकिन इससे पहले ऐसा हो पाता पुलिस ने बेशर्मी से शव का अंतिम संस्कार कर दिया ताकि फॉरेंसिक सबूत जल्द से जल्द नष्ट किए जा सके, वो भी बिना परिवार को बताए। आखिरकार देर रात 11:45 बजे एक अन्य अधिकारी ने FIR दर्ज की, वो भी किसी जाहिल की तरह लिखकर, सहमति से बलात्कार और हत्या। इतना सब हो जाने के बाद भी अगले दिन 10 अगस्त को प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद घटिया तरीके से पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया। लड़की होकर वो इतनी रात को सेमिनार रूम में क्यों सो रही थी, ये पूरी तरह से उसकी गलती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उस लड़की को उनके भ्रष्टाचार के बारे में पता चलने के बाद उसने संदीप घोष के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी और खुन्नस में आकर घोष ने उसे सजा देने के लिए 36 घंटे की कड़ी ड्यूटी पर लगा दिया था, जिसे पूरा करने के बाद जब थकी हुई डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी तब उसके साथ ये दुर्भाग्यजनक अपराध घटा। इसीलिए इस घटना को छिपाने के लिए अगले ही दिन घोष के गुंडों ने अस्पताल के बाथरूम को तहस नहस कर दिया जो सेमिनार हॉल के बगल में था, कथित तौर पर खून से सने पैरों के निशान मिटाने के लिए और हाथों के निशान को उस दीवार से मिटाने के लिए जहां अपराधी ने अपने खून से लदे हाथ धोए थे। लेकिन क्या कोलकाता पुलिस को अपराध स्थल से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को रोकने का काम नहीं करना चाहिए था? पर भला वो क्यों करेंगी, क्योंकि वो तो जेबों में थी उत्तर बंगाल डॉक्टरों की लॉबी के बादशाह संदीप घोष के। इस समय उन्हें लगा कि चीजें उनकी मुट्ठी में, पर तभी जनता के न्याय के योद्धा उठ खड़े हुए, साथ ही डॉक्टर जिन्होंने कोलकाता के सड़कों पर इस अपराध के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन किए कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और इस दबाव में कोलकाता पुलिस को आखिर लाइन पर आना ही पड़ा। उन्होंने अस्पताल के एक दुर्लभ CCTV फुटेज का सुराग निकाला अपराध के दिन लगभग 3:50 का, जहां एक आदमी नीले एयरफोन कान पर लगाए सेमिनार हॉल के अंदर जाते दिख रहा था और लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे वो हॉल से बाहर आते हुए दिखा। लेकिन इस बार उसके कान पर ईयरफोन नहीं थे, जो पुलिस ने पीड़िता के शव के पास बरामद किया लड़की के टूटे चश्मे के साथ। वो हरामी संजय रॉय था। विडंबना देखिए दोस्तों कि वो अस्पताल के पुलिस की ही चौकी पर सिविक वॉलंटियर के रूप में तैनात था और रिपोर्ट के अनुसार वो दरिंदा नेक्रोफिलिया पॉन का नशेड़ी था, जिन्हें इनका मतलब नहीं पता हम बता दें, ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जहां इंसान लाशों को देखकर यौन रूप से उत्तेजित हो जाता है। अगले दिन पुलिस की हिरासत में रॉय ने अपराध को कबूल किया और रिपोर्ट के अनुसार उसके वीर का सैंपल भी मैच कर गया। बता दें कि ये इंसान घोष की गैंग का एक वफादार कुत्ता भी था जो मरीजों के परिवारों से रिश्वत लेता था बिस्तर और चिकित्सा सुविधाएं दिलाने के लिए। इसलिए शायद हो सकता है कि उसे बलि का बकरा बनाया गया था ताकि घोष की डॉक्टर लॉबी के दुष्कर्मों को छिपाया जा सके जो PD डॉक्टर को चुप कराने की कोशिश में जुटे थे। अब घोष का नाम इस कांड के साथ जुड़ने लगा था, इसलिए अगले दिन उसने खुद इस्तीफा दे दिया, शायद इसलिए कि उसे पता था कि उसे राजनीतिक सुरक्षा तो मिली हुई है, जो सच भी साबित हुई क्योंकि सिर्फ 4 घंटे के भीतर हमारी ममता दीदी ने उन्हें दूसरे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। लेकिन इस बार विरोध करने वाले डॉक्टर चुप नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने इस घटना में पुलिस की लापरवाहियों पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जांच से छेड़छाड़ की संभावना को देखते हुए कोर्ट ने मामले को कोलकाता पुलिस से हटाकर CBI के हाथ सौंप दिया। फिर अगले दिन 300 से 500 बदमाशों की एक भीड़ जो लाठियां और रॉड लेकर आए थे, उन हरामियों ने न सिर्फ सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ मचाई जहां अपराध हुआ था, बल्कि मेडिकल इन्वेंटरी के ज्यादातर हिस्सों को भी तोड़ डाला ताकि लॉबी के खिलाफ दवाई के तस्करी के स्कैम के सबूत मिटाए जा सके। तब ये लगभग तय लग रहा था कि बिना सबूत के उत्तर बंगाल डॉक्टरों की लॉबी आराम से इस झमेले से बच निकलेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद न्याय का वो योद्धा, वही हमारे RG करके अख्तर अली, कोलकाता उच्च न्यायालय में सबूत लेकर पहुंच गए।
सर प्लीज इसकी जांच कीजिए, अस्पताल में संदीप घोष ने अनगिनत घोटालों के चक्कर चलाए हैं सर। जज ने उनकी विनती स्वीकार करी और संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति दी, जिसने उन्हें गिरफ्तार किया और इस कांड के गैर जिम्मेदाराना इंस्पेक्टर को भी। अरे साले दोनों अभी भी हिरासत में मरा रहे हैं। अब यहाँ ममता दीदी इस अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरकर निर्दोष होने का नाटक बखूबी निभा रही हैं। जरा रुकिए, प्रदर्शनकारी ममता निकाल रही है मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ मोर्चा। भाइयों कैसा लगा आपको दीदी का मजाक? मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की। कृपया पूजो के उत्सव पर लौटे, आज का मामला पूरा नहीं हो चुकी है। इस बीच उनके महत्वाकांक्षी भतीजे अभिषेक बनर्जी को लगा कि ममता का दबदबा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसलिए वो भी डॉक्टरों के समर्थन में शामिल हो गए और घोष के चुनिंदा गुर्गों को स्वास्थ्य विभाग से निलंबित करने की पहल की। वैसे हमारी ममता दीदी की तो कई बार पोल खुल चुकी है, जैसे हाल ही में उन्होंने माफिया शाहजहां को बचाने की कोशिश की, जो संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी है, हमारी स्टोरी देखेगा, और उनकी बड़बोली महिला अधिकार वाली महुआ मोहित्रा, जिनसे कुछ बेहतर की उम्मीद थी, जिसे उन्होंने चूर चूर कर दिया लॉबी को बचाने की भरसक कोशिशें करके। इस घटना में कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं है, कोई भी अपराध स्थल से छेड़छाड़ नहीं कर रहा या इसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उत्तर बंगाल के डॉक्टरों की लॉबी टूट चुकी है, उन हजारों उत्साही डॉक्टरों के बल से जो अपने सिस्टम को साफ करने के लिए निकल पड़े हैं। बिस्बो की शायरी, कलकत्ता की दरिंदगी, न्याय दिलाए कौन, खुद की जड़ में धसा हुआ शासन बैठा मौन, धीरे धीरे खुल रहे गंदे सारे रास, न्याय मांगने सड़क पर डटे हैं डॉक्टर आज, बिस्बो मांगे दुआए हो सबका पर्दाफाश, कोई भी ना बच सके हो चाहे कितना खास। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।